अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हबीबा हबीबा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ केक, मार्बल इफेक्ट केक बनाने जा रही हूँ विदाउट क्रीम। तो क्रीम सबके पास हर वक्त अवेलेबल होता नहीं है, और मैंने भी अभी सर्च की थी सारे ऐप पर, कहीं पर भी मुझे नहीं मिल रहा है व्हिप क्रीम। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मार्बल केक बनाऊँ। तो देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ मिल्क, और अब मैं उसमें थोड़ी सी डालती हूँ विनीगर, तकरीबन एक चम्मच बस। अब मैं इसे कडल होने के लिए रखती हूँ, तब तक मैं दूसरा काम करती हूँ। तो देखिएगा, आज मैं कुछ भी ऐसा मेजरमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बाद में कभी करूँगी। आज मुझे बहुत घाई है क्योंकि कल मेरा भाई वापस जाने वाला है, इसके वजह से मैं हाथ के सामने आ रहा है। बस मैं ऐसी वीडियो आपको डाल दे रही हूँ, बाद में अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ एक छन्नी में मैंने ली हूँ एक कटोरी, पहले ऐसा मैदा लेती हूँ, एक और लूँगी बस, एक ऐसे और लूँगी। अब हम इसे सीव करना है, साथ ही में हम इसमें डालते हैं ये एक छोटा चम्मच कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर। इससे क्या होता है, केक की बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है और केक में किसी तरीके से क्रैक फटने का डर, चांसेस बहुत कम हो जाता है। देखिए, इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून, हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाली हूँ बेकिंग पाउडर, एक टी स्पून नहीं है, और उसका मैंने आधा ली हूँ बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा, मीठा सोडा। अब हम इसे अच्छे से करते हैं सीव। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे एक तिहाई, मतलब छोटी कटोरी से चार चम्मच समझ के चलिए, चाय के चम्मच से चार मिल्क पाउडर। ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए, ना हो तो ना डालिए, लेकिन इसे डालने से केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत इन्हांस होता है, एकदम क्रीमी लगता है खाने में, क्योंकि हम लोग इसमें क्रीम वगैरह तो डालेंगे नहीं, तो इससे ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए गाइस, हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रेडी है, अब चलते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो देखिए गाइस, मिल्क हमारे अच्छे से कडल हो चुका है, तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप इसके जगह मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल, ये आधा कप है, वज़न से अगर बोलूँ तो 50 ml। अब हम इसे डाल के अच्छे से करते हैं मिक्स। इसी के साथ हम डालेंगे पीसी हुई शक्कर, यहाँ मैंने ली हूँ एक कप, और यहाँ मैंने ली हूँ आधा कप, क्योंकि हमारा बैटर ज़्यादा होने वाला। अब हम इसे करते हैं अच्छे से मिक्स, जब तक कि ये क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ क्रीमी टेक्सचर सा रेडी हो गया। अब हम इसमें डालते हैं ड्राई इन्ग्रीडियंट्स, जो कि एक बार में नहीं डालेंगे, बैचेस में डालेंगे। इसे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए गाइस, बाकी का भी बचा हुआ जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स था वो मैंने डाल दिया, अब हम इसे अच्छे से रिबिंग कंसिस्टेंसी तक के मिक्स करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसमें डालते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। मेरे पास आज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, तो मैंने सोचा जी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही डालती हूँ। आपके पास जो भी फ्लेवर रहे आप वो डाल सकते हैं। हम इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हाफ़ हाफ दो जगह में से अलग अलग कर ली हूँ। करना क्या है, मैं इसमें मार्बल इफेक्ट दूंगी, तो इसके लिए दोनों को मेजरमेंट, इसमें आपको ज़्यादा लगता होगा क्योंकि ये छोटा है इसके वजह से, और ये बड़ा है ये फैला हुआ इसके वजह से, ठीक है। अब क्या करना है, रिबन कंसिस्टेंसी का हमें कर लेना है बैटर, ठीक है। अब हम इसमें डालते हैं एक चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर डालते के साथ अब हम इसे करेंगे मिक्स। अब ये कोको पाउडर डालने से क्या होगा, इसका कलर तो चेंज होगा, थोड़ा मतलब थोड़ा गाढ़ा और हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर पहले मिक्स कर लेना, अगर देखेंगे कि गाढ़ा हो रहा है तो एक से दो चम्मच हम इसमें मिल्क ऐड करके इसके जैसे रिबन कंसिस्टेंसी का कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी डाली हूँ दूध, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो चुका है, मुझे इसके कंसिस्टेंसी में करना है, क्योंकि नहीं तो फिर एक क्या रहेगा, एक जल्दी पक जाएगा, एक कच्चा रह जाएगा। तो इसे थोड़ा सा दूध डाल के इसे करते हैं मिक्स। तो हमारा दोनों बैटर रेडी है। अब करना क्या है, मैंने यहाँ पे पहले से कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक गोल टिन ली हूँ केक का। अब इसे मैंने घर का नॉर्मल जो बच्चों का पढ़ने वाला पेपर है तो उसी से मैंने ग्रीस कर चुकी हूँ। अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे बीच में ये बैटर, फिर
फिर उसके ऊपर हम डालेंगे हमारा चॉकलेट वाला बैटर। ये खुद ब खुद अपना जगह मेंटेन कर लेगा, आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर हम इसमें डालेंगे हमारा ये बैटर, वापस से हम इसमें डालेंगे हमारा चॉकलेट बैटर। जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, इसे रिपीट करते रहना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा लुक आएगा। तो उसके बाद हमें लेना है एक साफ टूथपिक, इसकी मदद से हम ऐसे लाइन को ड्रॉ करेंगे सब तरफ से ऐसे। अब हमें क्या करना है, इसे साफ करके अब इसे बाहर की तरफ लेना है ऐसे ऐसे। आप चाहे तो जितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, फिर आप चाहे तो एक ऐसे ले सकते हैं, एक ऐसे ले सकते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे। फिर एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा का इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से इसे टैप करेंगे। तो आइए, हमारा ओवन, होममेड ओवन रेडी है। अब इसमें हम डालते हैं एक प्लेट। देखिए, मैंने इसमें डाली हूँ एक ऐसी बर्तन और उसके ऊपर मैंने लगा दी हूँ ये केक। अब इसकी मैं ढक्कन को लीड लगा के 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक करती हूँ। तब तक के लिए आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और दुआ कीजिए कि मैं इस सफ़र में कामयाब रहूँ। और आप सभी को, मेरे यूट्यूब फैमिली को, सभी को, हर किसी को शुभकामनाएं कि वो हर कोई अपने अपने काम में कामयाब हो। तो गाइज़, देखिए मेरा थोड़ा सा चॉकलेट केक ज़्यादा बन गया था, जिसकी वजह से मैंने क्या की हूँ, एक तवा को गर्म की हूँ, उसके ऊपर एक फ्राई पैन रखी हूँ, उसके ऊपर ऐसे स्टील की टिन को ग्रीस करके चॉकलेट डाल के उसे ढक्कन लगा दी हूँ। इसे भी मैं लो फ्लेम पे बेक करती हूँ, वो भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा केक का क्या हाल है। यहाँ पर मेरा जोरों शोरों से काम चालू है। देखिए, मैंने बीच में चेक की थी, हल्का कच्चा था, मैं दूसरी तरफ से देखती हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल क्लीन आया है। तो हम गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसी तरह हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब देखते हैं दूसरे वाले को। तो देखिए गैस, दूसरे वाले को भी मैं देखती हूँ, उसे भी मैंने बीच में देखी थी। देखिए, इसमें अभी थोड़ा सा कसर और है, इसे मैं 5 मिनट और पकाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा बन के रेडी हो गया। इसे भी मैंने ऐसे खोल के ठंडे होने के लिए रख देंगे। तो देखिए गाइज, मेरा ये 2 केक बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड की कॉर्नर को ऐसे लूज़ कर लेते हैं और अभी भी ये हल्का गर्म है, मैं सिर्फ इसे निकाल के ऐसे ठंडे होने के लिए रख दूँगी। तो देखिए गाइज, मैंने इस चॉकलेट केक के ऊपर में थोड़ी सी मेरी गनाज बची हुई थी, बस मैंने अंदर कटिंग वटिंग नहीं डाली, ऊपर से बस ऐसे ही डाल दी हूँ मैं। और ये रहा मेरा केक, इसको मैं आपको कट करके बताती हूँ। अभी फ़िलहाल बहुत गर्म है, फिर भी मैं काट रही हूँ। तो देखिए गाइस, केक कितना सॉफ्ट बना है, इसका जाली से ही आपको पता चलता होगा। तो इसे मैं इसलिए ऐसे में कट की हूँ क्योंकि मैं इसे ब्रिटानिया शेप में कट करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे भाई के लिए इसे टिफ़िन में पैक करना है ट्रेन के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और ज़रा से भी मेरा मेहनत पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।